नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। खजनी थाना क्षेत्र में जोरों पर मिट्टी का हो रहा है अवैध खनन। जिलाधिकारी ने कहा, बिना रॉयल्टी के अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जांच कराकर मुकदमा दर्ज करके की जाएगी कार्यवाही। अवैध खनन माफिया हो जाए सतर्क। हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने सहजनवा थाने पर लगाया पुलिस चौपाल। कहा, पुलिस चौपाल में 20 थानों पर आए कुल 131 प्रार्थना पत्र, 41 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के नौकायन स्थित प्रेक्षागृह के सामने वाली सड़क पर स्कॉर्पियो सवार ने बाइक सवार को मारा जोरदार टक्कर। बाइक पर बैठे दो बाइक सवार हुए गंभीर रूप से घायल। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। वाहन को कब्जे में लेकर कर रही आगे की विधिक कार्यवाही। खनन पट्टा धारकों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। कहा, अवैध खनन करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा, दे प्रशासन को अवैध खनन की सूचना। जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में की बैठक। गुणवत्ता के साथ कार्य करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कैंट थाना क्षेत्र के बीपीओ के साथ सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने की बैठक। प्रार्थना पत्रों के निस्तारण, विवाद का चिन्हीकरण सहित अन्य बिंदुओं पर की चर्चा। सीओ कैंट श्यामदेव बिंद की अध्यक्षता में कैंट थाने पर पुलिस चौपाल का किया गया आयोजन। कहा, कैंट थाने पर पुलिस चौपाल में कुल आए 5 मामले, 1 मामले का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी 4 मामलों को निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। और बुधवार की दोपहर महानगर में हुआ झमाझम बारिश। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, बारिश से नहीं हुआ कहीं जान माल का नुकसान। आगे मौसम रहेगा 3 दिनों तक साफ, नहीं है बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। खजनी थाना क्षेत्र में अवैध मिट्टी का जोरों पर खनन हो रहा है। आपको बता दें कि खनन विभाग के अधिकारियों तथा स्थानीय पुलिस प्रशासन के मिली भगत से मिट्टी का अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। जेसीबी मालिक व ड्राइवर नियम कानून को ताक पर रखकर मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं। तहसील खजनी अंतर्गत थाने से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अकटहवा बाबा सिंह मैरिज हॉल के पीछे काफी समय से खुदाई हो रही है। खजनी थाना के मथौल, उसवा, रामपुरवा, चिलौना, टिकरिया नाथ सिंह गांव में अवैध खनन का कार्य जोरों पर चल रहा है। मिट्टी की खुदाई होने से आसपास के खेतों को काफी नुकसान हो रहा है और प्रदूषण से रास्ते पर चलना दुश्वार हो गया है। जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि ई टेंडर के माध्यम से शासन की नीति के अंतर्गत पट्टा किया गया है। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए पट्टेदारों के साथ बैठक किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए प्रवर्तन दल लगातार कार्य कर रहा है। जहां पर भी शिकायत मिलती है वहां पर तुरंत टीम पहुंचकर कार्रवाई करती है। जिलाधिकारी ने कहा कि कहीं पर भी अवैध खनन की शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी व खनन माफिया घोषित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा,
जैसे हम जानते हैं कि हम लोगों ने ई टेंडर के माध्यम से शासन की नीति के अंतर्गत पट्टे किए हैं, लगातार पट्टेदारों के साथ बैठक कर रहे हैं। अवैध खनन पे अंकुश लगाने के लिए लगातार हमारे प्रवर्तन दल कार्य कर रहे हैं। जहाँ जहाँ शिकायत मिलती है वहाँ तुरंत होता है, रात को सो मोटो बेसिस पे भी हम लोग प्रवर्तन करते रहते हैं, और कहीं पर भी अगर इस तरह की करतूत मिलती है तो उनको उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, खनन माफिया घोषित किया जाएगा। साथ ही साथ पट्टेदारों के खिलाफ कोई भी अगर झूठी शिकायत करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। जो अवैध खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम FIR दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत सैजुना थाने पर चौपाल लगाया, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि बुधवार को जिले के 20 स्थानों पर पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया, जहां पर राजपत्रित अधिकारी थाना पर पहुंचकर नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण किए। SSP ने बताया कि सैजुना के चौपाल में कुल 8 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें मौके पर ही एक मामले में मुकदमा पंजीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा 2 प्रकरण में जांच के आदेश दिए गए। इसके अलावा थानों पर चौकीदारों व पुलिस कर्मियों से सीधा संवाद किया गया तथा प्रभारी निरीक्षक को थाने की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। IGRS प्रार्थना पत्रों के आवेदक तथा मुकदमे से संबंधित वादी से वार्ता कर उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा जिले में चौपाल में 131 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से कुल 41 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 3 प्रकरणों में मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए गए। साथ ही साथ 38 प्रकरण में निरोधात्मक कार्रवाई तथा 49 प्रकरणों में जांच हेतु संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, आज बुधवार की पुलिस चौपाल हमारी लगी है जनपद में, जहाँ पर की सभी राजपत्रित अधिकारी थानों पर गए हैं और वहाँ जनता की समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। थाने का भी निरीक्षण किया जा रहा है, पुलिस की कार्यप्रणाली देखी जा रही है। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा थाना सैजनवा पर पुलिस चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई लोग आए और यहाँ पर कुछ मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, कुछ में पुलिस को मौके पर जाँच के लिए भेजा गया है और जो अन्य प्रकरण हैं उनमें भी उनकी शिकायत का शीघ्र ही निस्तारण करवाया जाएगा। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के नौकैन स्थित प्रेक्षा गृह के सामने वाली सड़क पर स्कॉर्पियो ने 2 पहिया वाहन को जोरदार टक्कर मारा, जिस पर 2 पहिया बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक राहगीर के अनुसार 4 पहिया वाहन की गति लगभग 100 पार थी और बाइक सवार 4 पहिया को हाथ देकर गति धीमी करने के लिए कह रहा था कि तभी 4 पहिया ने बाइक पे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 4 पहिया का एयरबैग खुल गया और बाइक पर सवार दोनों सड़क के किनारे फेंका गए, जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए और एक बाइक सवार का पैर फ्रैक्चर हो गया, वहीं बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल बाइक सवारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अभी स्थिति सामान्य है और दोनों क्षतिग्रस्त गाड़ियों को कब्जे में लेकर थाने पर भिजवा दिया है, जिसके संबंध में CO कैंट श्यामदेव बिंद ने बताया कि स्कॉर्पियो व मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हुई, जिस पर मोटरसाइकिल पर बैठे 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको तत्काल पुलिस द्वारा पहुंचकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनकी स्थिति अब सामान्य है। CO कैंट ने बताया कि 4 पहिया वाहन को कब्जे में लेकर थाने पर भेज दिया गया तथा मालिक व ड्राइवर की पहचान की जा रही है, तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राहगीर राजेश एवं CO कैंट श्यामदेव बिंद ने कहा, अरे भैया जब लगा लग मैंने फेंका के गली मतलब की गाड़ी चले ना क्यों रहा गाड़िया बहुत तेज जा रहे हाँ ये अरे 80-90 वाली हम वही खड़ी हो भैया बैठे लाना हम वहाँ पर फ्यूल लगा लगती हम कूद के तुरंत 90 के स्पीड में हम सोचे कोई गाय हो मारे हूँ वहाँ से यार कहाँ भागे कहाँ जाइए बाटा मरीज के साथ हम अरे यार स्टेज हो अरे उन्होंने कांति में गाड़ी
कृपया हेल्प कर दीजिए। वो दोनों मरीज के साथ गए सदर हॉस्पिटल और जो दो बंदे थे। हमारा राजेश नाम है। घटना हुई है भैया, हाथ दो आदमी दे रहे थे, बाइक पे बैठे थे और उन्हें हाथ स्कॉर्पियो के देने चाहते थे, स्कॉर्पियो को कंट्रोल नहीं हुई मगर वो पूरा तेज से स्पीड से मारे हैं और मारने के बाद गाड़ी खड़ी हो गई है। फिलहाल हम मौजूद में आ गए हैं। उसके बाद दोनों आदमी को स्कॉर्पियो में से निकाले हैं, चारों आदमी को उसके बाद बैठाए हैं, उसके बाद ऑटो रोके हैं, उन लोग को हॉस्पिटल पहुँचाए हैं। दो पहिए वाले की चोट लगी है दो आदमी को, चार पहिए में सब सेफ्टी बचे हैं, कोई को घाव नहीं लगा है। कितनी स्पीड रही होगी? स्पीड स्कॉर्पियो 80 थी और दोपहिया नरम थी। अधिकतर चोट जो पीछे बैठा था उसको आई है। अभी क्या स्थिति है? स्थिति भैया सही है और उसके बाद हॉस्पिटल गए हैं। एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक मोटरसाइकिल में टक्कर हुई, जिसमें मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति सवार थे जो घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी स्थिति ठीक है। बाकी स्कॉर्पियो को थाने पर ले जाया गया है, स्कॉर्पियो का चालक अभी मिला नहीं है, जैसे वो मिलता है और डिटेल आपको बताया जाएगा। सर मुकदमा भी इसमें पंजीकृत हो रहा है? अभी तो तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होती है तो मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने खनन पट्टा धारकों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि जितने भी जिला प्रशासन के द्वारा पट्टे दिए गए हैं उसकी सभी पट्टा धारक रॉयल्टी प्राप्त कर ले, अगर कहीं पर भी खनन में किसी तरह की दिक्कत आती है तो तत्काल हमें सूचना दें। उन्होंने कहा कहीं पर भी अवैध खनन नहीं होना चाहिए, जिसको जिला प्रशासन द्वारा पट्टा दिया गया वही केवल खनन कर पाए, वह भी जहाँ पर पट्टा किया गया है। अगर किसी के द्वारा किसी अन्य के जमीन पर खनन किया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी पट्टा धारकों से अपील किया कि अवैध खनन की सूचना दें, जिस पर नामजद मुकदमा किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्लास्टिक सिटी बन रही है, आईटी पार्क बन रहा है, सब तो निर्माण होना ही है ना, और प्राइवेट घर भी बन रहा है, पट्टे जो हो रहे हैं। और इसके अलावा इन लोकेशन पे कोई आपत्ति है तो वो बता देंगे, इन लोकेशन में भी आप विपरीत इनके सर्वे से छूट गया कोई तो वो भी बताइए, वहाँ भी पट्टा जारी कर देंगे। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, फूले फले, दिवाली वो अच्छी है, दिवाली कल कर लीजिए। 94 44 75 44 75 44 कोई यहाँ सिंडिकेट बना रहा है या तो आपका नाम, आपका फोन आना चाहिए मुझे, कोई संकोच नहीं करना, आपका नाम नहीं आएगा मैं जबरदस्त कार्रवाई कर दूंगा। 94 41 75 44 कुछ हो सकता है फर्जी भी हो, कुछ कि आपका पट्टा कहीं और है, आप करके और रहे हैं, पद्धा टूट रहा है, नदी में हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा है, इस तरह की बातें आ रही हैं। इसमें आप लोगों का क्या कहना है? वाकई में हो रहा है तो उसको मत करिए। जो भी शिकायत लोग करते हैं उसके पीछे उनकी कोई मंशा हो, मंशा होगी ना, और कोई सर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे चिकित्सक आयुक्त की जांच कराएंगे, अगर आपके खिलाफ दूसरी शिकायत हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और अगर सही है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है ना? ऐसा कर लेंगे, इसको मत होने दीजिएगा, किसी का रॉयल्टी जमा होने में बचा है। उन्हीं पे करें, थाना अध्यक्ष की बैठक करा लीजिए, थाना अध्यक्ष को सख्त लेटर मेरी तरफ से भेज दो कि कोई भी किसी का भी गाड़ी रोक के परेशान करने की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा अभी असली बात, अवैध रूप से जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कब सूचना देंगे भैया, ताकि मैं उनके खिलाफ FIR करूं? और इस बार जब अवैध रूप से करने वाले मिलते हैं तो इन्हें क्या फायदा होगा कि एक तो वहां आप मशीन लेके जाके मेजरमेंट करो जो अवैध कर रहा है, और इस बार नामजद करके FIR करो,
409, 420 लगा दो, अनलॉफुल गेन वाला विवेचना मैं कराऊंगा, और मैं जब विवेचना करूंगा तो सीबीआई टाइप होगी, तब कोई नहीं बचा पाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं राहत मिलेगी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। खजनी थाना क्षेत्र में जोरों पर मिट्टी का हो रहा है अवैध खनन, जिलाधिकारी ने कहा बिना रॉयल्टी के अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जांच कराकर मुकदमा दर्ज करके की जाएगी कार्यवाही, अवैध खनन माफिया हो जाए सतर्क। हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत एसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने सहजनवा थाने पर लगाया पुलिस चौपाल, कहा पुलिस चौपाल में 20 थानों पर आए कुल 131 प्रार्थना पत्र, 41 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के नौकायन स्थित प्रेक्षागृह के सामने वाली सड़क पर स्कॉर्पियो सवार ने बाइक सवार को मारा जोरदार टक्कर, बाइक पर बैठे दो बाइक सवार हुए गंभीर रूप से घायल, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में कराया भर्ती, वाहन को कब्जे में लेकर कर रही आगे की विधिक कार्यवाही। खनन पट्टा धारकों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक, कहा अवैध खनन करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा, दे प्रशासन को अवैध खनन की सूचना। जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में की बैठक, गुणवत्ता के साथ कार्य करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कैंट थाना क्षेत्र के बीपीओ के साथ सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने की बैठक, प्रार्थना पत्रों के निस्तारण, विवाद का चिन्हीकरण सहित अन्य बिंदुओं पर की चर्चा। सीओ कैंट श्यामदेव बिंद की अध्यक्षता में कैंट थाने पर पुलिस चौपाल का किया गया आयोजन, कहा कैंट थाने पर पुलिस चौपाल में कुल आए 5 मामले, 1 मामले का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी 4 मामलों को निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। और बुधवार की दोपहर महानगर में हुआ झमाझम बारिश, आपदा विशेषज्ञ ने कहा बारिश से नहीं हुआ कहीं जान माल का नुकसान, आगे मौसम रहेगा 3 दिनों तक साफ, नहीं है बारिश की संभावना। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप, जी हां सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जल जीवन मिशन की कार्यशाला की जा रही है, जिसमें सभी कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, ब्लॉक व तहसील के सभी अधिकारीगण के द्वारा पानी की टंकियाँ जो जनता के पेयजल के लिए बन रही है, तकनीकी रूप से क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या सावधानी बरतनी है, गुणवत्ता किस तरह से परखना है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। पहली बार इस तरह का वर्कशॉप कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी कॉन्ट्रैक्टर को चेतावनी भी दी जा रही है कि गुणवत्ता में किसी तरह की कमी ना की जाए। अगर किसी के कार्यों में या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। शासन द्वारा 1500 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि जल जीवन मिशन में दी गई है। प्रयास है कि हर घर तक पीने के पानी की सुविधा को पहुँचाया जाए, जिसको पूरा करने के लिए 2 सालों का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, हम लोग यहाँ पे जो रिव्यू मीटिंग है उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो टैंक बन रहा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से डीपीआर बन जाता है, उसके बाद में जो सॉइल टेस्ट है वो वहाँ पे स्टार्ट होता है। ये लेआउट है, ये हम लोग का लेआउट है। इसमें कोई डायरेक्शन में जहाँ पे सन का सोर्स मिलता रहे इसलिए इसको फिक्स डायरेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा स्टाफ क्वार्टर और पंप हाउस और सारा ये जो है कि गेट के पास जो हर एक ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। नेक्स्ट, ये मौके पर जो सॉइल टेस्ट हो रहा है उसकी स्थिति है में कि यहाँ पर ओवरहेड टैंक बनना है, वहाँ पर सबसे पहले सॉइल का टेस्ट किया जाता है कि ओवरहेड टैंक के स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, अगर मिट्टी जरा डाउन होने का डाउन फॉल होने का खतरा बना रहता है इसलिए इसको पहले से ही टेस्ट किया जाता है। इसका मानक है कि 8 मेट्रिक टन से इसका स्ट्रेंथ कम नहीं होना चाहिए। अधिकतर गोरखपुर के जितने भी जगह हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उसमें मान के चलिए कि 8 से ऊपर ही आता है। हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो 10-11 इसके राउंड में होता है, इसलिए हमारे पास इस पूरे गोरखपुर जनपद में कहीं कोई स्ट्रेंथ का इशू नहीं आएगा। हम लोग लेकिन फिर भी अपने एहतियात के लिए हर एक योजनाओं पे सॉइल टेस्ट करा करके ही ओवरहेड टैंक का निर्माण कराते हैं। नेक्स्ट, ये मतलब मेथड होता है कि 50 फीट नीचे से सॉइल का सैंपल कलेक्ट किया गया है, उस सैंपल को फिर आगे टेस्ट किया जाता है जिससे सॉइल की स्ट्रेंथ निकाली जाती है, वो तो लैब में भेजा जा रहा है। नेक्स्ट, ये चार्ट है कि सॉइल क्या 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 आने के बाद ही वहां पर काम शुरू होता है, नहीं तो हम लोग ग्रास फाउंडेशन के बजाय पाइप फाउंडेशन भी देते हैं। ऐसा मतलब स्पेसिफिक है कि टोटल अपने ग्राम पंचायतों में 1-2 विलेज में ही पाइप फाउंडेशन बनते हैं। ये पीसीसी के बाद का फुटेज है, पीसीसी कंप्लीट करके उसके बाद इसके ऊपर हम बढ़ते हैं। ये चीजें मतलब मौके पर दिखाई देती हैं, यहाँ लेवल पर हम विंडो निर्धारित करते हैं, उसके बाद से इसके ऊपर बढ़ते हैं। एक तरफ से बढ़ रहा है, 2 लेवल तक जाकर के यहाँ पोजीशन आता है। नेक्स्ट, ये उसका फुटेज है कि इसके रिइंफोर्समेंट बार लगा के प्रॉपर इसको कंप्लीटिंग किया जाता है, जिसके आधार पर एनसीसी के लोग कहाँ है और एनसीसी जवाब देगा, एनसीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ आइए, जवाब दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है।
आज यहाँ पे जल जीवन मिशन की कार्यशाला की जा रही है, जिसमें सभी कॉन्ट्रैक्टर्स, सभी इंजीनियर्स, सभी हमारे ब्लॉक के और तहसील के कर्मचारी अधिकारीगण, उनके समक्ष ये पानी की टंकियाँ जो बन रही हैं, पेयजल योजनाएँ जो बन रही हैं, उसमें तकनीकी रूप से क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानी बरतनी है, गुणवत्ता कैसे परखना है, इसके बारे में बताया जा रहा है। पहली बार इस तरह की कॉन्ट्रैक्टर्स की वर्कशॉप हो रही है और ये उनको चेतावनी भी दी जा रही है कि कोई गुणवत्ता में समझौता किया तो उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो अभियंता और थर्ड पार्टी एजेंसी और हमारे ग्राम में डिमांड जनरेशन के लिए जो संस्थाएं लगी हैं, उनको भी इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, शासन द्वारा 1500 करोड़ से ज़्यादा धनराशि हमारे जनपद के लिए दी गई है, जिसमें हर एक घर तक पीने के पानी की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराना है अगले 2 सालों में। एक योजना को हम लोग बहुत प्राथमिकता से संचालित करा रहे हैं और अनुश्रवण कर रहे हैं, इसी कड़ी में इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने कैंट थाना क्षेत्र के बीपीओ के साथ थाने पर बैठक की, जिसके संबंध में सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने बताया कि डीआईजी व एसएसपी द्वारा निर्देशित किया गया है कि बीट पुलिस कर्मियों के कार्यों की समीक्षा की जाए। जो बीपीओ है वह क्या कार्य कर रहे हैं, उनका थाना क्षेत्र में परफॉर्मेंस कैसा है, जिसकी समीक्षा की जाए, जिसको देखते हुए थाना कैंट के बीपीओ की समीक्षा की गई, जिसमें कुल 11 बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है कि उनके द्वारा कितने प्रार्थना पत्रों की जांच की गई व कितने विवादों को चिन्हित किया गया, इसके अलावा कितने विवादों का निस्तारण किया गया, कितने 151 में गिरफ्तारी की गई, जिस पर चर्चा की गई है। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय सहित बीपीओ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने कहा, समीक्षा सब इंस्पेक्टर एंड एवर की ही हो पाती है, सिपाही की समीक्षा कोई करता नहीं है, वो सारे सिपाही काम कर रहे हैं, ठीक है, काम बीपीओ कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग देख नहीं पाते व्यक्तिगत तौर पे कि कौन कर रहा है। कुछ तो बहुत अच्छा करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं सही, तो बिहारी सरकार निर्देश है कि जिम्मेदारी और उनकी भी समीक्षा की जाए, जो बढ़िया काम कर रहे हैं बीपीओ उनको पुरस्कृत कराया जाए, जो खराब कर रहे हैं उनको फाइन भेजा जाए या उन्हें पनिशमेंट दिया जाए। ये मैं आया हूँ, ये बेसिकली अप्रैल महीने की है, अब हर महीने ही होगी, अभी तो अप्रैल महीने की होगी, फिर मई महीने की भी होगी, इसलिए मई में आज 11 तारीख हो गई, इसका परफॉर्मेंस सही ना मई महीने का कम से कम आप लोग सही कर लें। अभी मैं एक एक का देखता हूँ, तो जैसे ये मेरे पास जो है वीरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार, आप हैं, ये आपने दिया है कि 20 प्रार्थना पत्रों का निपटारा आपके द्वारा किया गया है, ये अप्रैल महीने का है, ज़्यादा किया है लेकिन समस्या का निस्तारण होना चाहिए, मतलब 20 निस्तारण हो गया होगा और सब असंतुष्ट हो गया। डीआईजी सर द्वारा और एसएसपी सर द्वारा निर्देशित किया गया है कि बीट कर्मचारियों के कार्यों की भी समीक्षा की जाए, जो बीपीओ हैं ये क्या काम कर रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, इनकी समीक्षा की जाए, जिसके क्रम में आज मैं थाना कैंट पर बीपीओ की समीक्षा कर रहा हूं, जिसमें कुल 11 बिंदुओं पर डीआईजी सर का निर्देश है, कप्तान सर का निर्देश है, 11 बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जिनमें उनके द्वारा कितने प्रार्थना पत्रों की जांच की गई, कितने विवादों का चिन्हांकन किया गया, कितने विवादों का निस्तारण किया गया, कितनी 151 में गिरफ्तारियाँ की गई, कितने फर्द अबाकिता की गई, ये बहुत सारे 11 बिंदु निर्धारित हैं जिस पर आज मेरे द्वारा समीक्षा की जा रही है। सीओ कैंट श्यामदेव बिंद की अध्यक्षता में कैंट थाना पर पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने बताया कि बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत कैंट थाने पर पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 5 मामले आए, जिनमें 4 मामले जमीन व रास्ते के विवाद से संबंधित आए, 1 मामला
धमकी देने से संबंधित आया, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। इसके अलावा बाकी 4 मामलों में राजस्व विभाग व पुलिस विभाग की टीम बनाकर निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा, पुलिस चौपाल काफी कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि लोग राजपत्रित अधिकारी के सामने जाकर अपनी समस्या रख रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय सहित फरियादी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने कहा, तो इन्होंने जो है हमारे प्लाट को दूसरे को कब्जा करा दिया और जो है आगे पैसा ले रहा। अब हमें प्लाट दे रहे हैं, हमारा जमीन दे रहे हैं 25 लाख में, जो है करीब जो है 20 लाख का जो प्लाट है और 22,000 रुपये 2 लाख रुपये उसका नाम है 20 लाख रुपये हो गया। ये हमारे प्लाट में जो अधीक्षक महोदय के निर्देश पर ये पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं थाना कैंट पर आया हुआ हूँ। इसमें अभी तक 5 प्रकरण आए हैं, जिसमें 4 प्रकरण जमीन और रास्ते के विवाद से संबंधित हैं, 1 प्रकरण धमकी देने से संबंधित है, जिसका तत्काल निस्तारण किया गया, उसमें मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। अन्य मामलों में राजस्व अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की टीम गठित कर मौके पर निस्तारण कराया जाएगा। सर, कितना सफल हो रहा है चौपाल? पुलिस चौपाल जो है काफ़ी सफल है, क्योंकि कोई न कोई अधिकारी प्रत्येक थाने पर जा रहा है। उसी क्रम में मैं थाना कैंट पर आया हूँ, यहाँ सीधे जनता से रूबरू होने का मौका मिलता है, अधिकारी गंभीरता से बात सुन रहे हैं और पब्लिक संतुष्ट भी हो रही है। जनपद में बुधवार को बेमौसम झमाझम बारिश हुआ, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बारिश की संभावना थी। बुधवार को जनपद में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई, आगे मौसम सामान्य रहेगा, अब आगे 3 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, अभी तक कहीं से भी बारिश की क्षति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर कहीं से भी कुछ क्षति की सूचना प्राप्त होती है तो राज्य आपदा मोचन निधि के द्वारा सहायता दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, अरे बनाओ आगे बनाओ, अरे बना दे।
मेरा नाम गौतम गुप्ता है, मैं जिला आपदा विशेषज्ञ गोरखपुर के पद पे कार्यरत हूँ। सर बारिश हुई सर कितना मिनट? देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो हम लोगों को मतलब पूर्वानुमान दिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली कल और आज के लिए था, और आज एक दो जगहों पे हल्की बूंदाबांदी हुई है और बाकी आगे के जो मौसम के बारे में जो कहा गया है वो सामान्य मौसम है। सर अभी क्या संभावना है? अभी 3 दिनों का जो आगे का अलर्ट है वो उन्होंने सामान्य का दिया हुआ है, अभी कोई ऐसा कोई पूर्वानुमान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। सर आज की बारिश से कहीं कुछ नुकसान संग्रह? देखिए अभी सभी तहसीलों से कांटेक्ट किया जा रहा है, कहीं पर भी अगर कोई क्षति हुई है तो उसके संबंध में संबंधित तहसील द्वारा सूचना प्राप्त की जाएगी और उन्हें राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन से समुचित सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। खजनी थाना क्षेत्र में जोरों पर मिट्टी का हो रहा है अवैध खनन। जिलाधिकारी ने कहा बिना रॉयल्टी के अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जांच कराकर मुकदमा दर्ज करके की जाएगी कार्यवाही, अवैध खनन माफिया हो जाए सतर्क। हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने सहजनवा थाने पर लगाया पुलिस चौपाल। कहा पुलिस चौपाल में 20 थानों पर आए कुल 131 प्रार्थना पत्र, 41 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के नौकायन स्थित प्रेक्षागृह के सामने वाली सड़क पर स्कॉर्पियो सवार ने बाइक सवार को मारा जोरदार टक्कर। बाइक पर बैठे 2 बाइक सवार हुए गंभीर रूप से घायल। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में कराया भर्ती, वाहन को कब्जे में लेकर कर रही आगे की विधिक कार्यवाही। खनन पट्टा धारकों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। कहा अवैध खनन करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा, दे प्रशासन को अवैध खनन की सूचना। जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में की बैठक। गुणवत्ता के साथ कार्य करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कैंट थाना क्षेत्र के बीपीओ के साथ सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने की बैठक। प्रार्थना पत्रों के निस्तारण, विवाद का चिन्हीकरण सहित अन्य बिंदुओं पर की चर्चा। सीओ कैंट श्यामदेव बिंद की अध्यक्षता में कैंट थाने पर पुलिस चौपाल का किया गया आयोजन। कहा कैंट थाने पर पुलिस चौपाल में कुल आए 5 मामले, 1 मामले का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी 4 मामलों को निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। और बुधवार की दोपहर महानगर में हुआ झमाझम बारिश। आपदा विशेषज्ञ ने कहा बारिश से नहीं हुआ कहीं जान माल का नुकसान, आगे मौसम रहेगा 3 दिनों तक साफ, नहीं है बारिश की संभावना। अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।